करना, गम को कुचलना, किस तरह? हर इंसान के पास गम है, किसी के प्यारे गुजर जाते हैं, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के पास उनकी औलाद का दुख है, किसी के पास कोई बीमार है। तो गम को दूर करने के लिए तीन चीज़ें हैं, हमेशा अपनी जबान पर रखना है जिक्र से, जिक्र जिक्र जिक्र, सुबह शाम के अस्कार हो या कुरान की तिलावत हो या अदरवाइज भी जो हम जिक्र करते हैं, तो जिक्र के ज़्यादा हम कोशिश करना चाहिए कि हर तरह का जिक्र हो, सुबह शाम का जिक्र हो और उसके अलावा भी हम जो जिक्र करते हैं, तो इससे आपका गम दूर होता। जो दुनिया की हकीकत, दूसरी चीज़, दुनिया की हकीकत जानना है, ये मताउलहीन है, ये टेम्पररी है, हम सबको वापस जाना है क्योंकि हमारी वापसी कन्फर्म है, तो इस पे यकीन करना चाहिए और उतनी ही दुनियादारी करना है जितनी हमको करनी है, क्योंकि इस दुनिया में तो रहना है लेकिन ये टेम्पररी है। थर्ड चीज़ क्या है, रब को ज़्यादा पता है, अल्लाह की रजा में राजी हो जाना, رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَمُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا، تو ہم جو دین اسلام پہ ہم راضی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اگر کوئی فوت ہو گئے یا کوئی ہماری فائنینشلی لاسٹ ہوا یا بچے ہمارے ساتھ کچھ کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना। एक मोमिन इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान ये सोचे कि नहीं ये हम सोचे ये होना था, हम एक प्लान करते लेकिन अल्लाह बेहतरीन प्लानर है, और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना ये दीन को मुकम्मल करता है। उमर ख़त्ताब फरमाते थे, अगर दो आयतें भी सीख लो और इसका मफहूम समझ जाओ तो दुनिया आसान हो जाती। तो जब हम कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं और इस पर अमल करते हैं, तो हमारा ये यकीन होना चाहिए जो इस दुनिया में आए उनको वापस जाना है, चाहे हम कितने तदाबीर कर लें, चाहे हम कितना पैसा खर्च कर लें, या कोई उजर हो या ना हो, अल्लाह जब वक्त मुकर्रर रखता है वो वापस चले जाते हैं। या कोई आपका फाइनेंशियल लॉस्ट होना है तो वो होता, आपको जितना आपके किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको मिल के रहता। कोई आपकी किस्मत में गम है और गम में भी क्या होता, हमारा प्योरिफिकेशन होता, तो हम अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए और अल्लाह के करीब होना चाहिए, और जिक्र से अपनी ज़बान तर रखें, अल्लाह के करीब हो, और अल्लाह जो हम उसको टेस्ट कर रहा है उससे हम अपने आप को प्योरीफाई करना है और गम को कुचलना है। गम से ऐसा नहीं है, हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरकम नहीं करने चाहिए, इसमें हम सब्र और तहम्मुल और अल्लाह का साथ, और अल्लाह के साथ के लिए मुकम्मल अपने आप को सबमिट करना है अल्लाह सुभान अल्लाह ताला के लिए, और नमाज, कुरान और खामोश रहें, जिक्र करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो हर किसी का गम दूर हो जाएगा। और नमाजों में आप नवाफिल फ़र्ज़ के अलावा, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।